एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। फल कथन के सीरीज में आज हम चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो भी जातक है वो ये जानना चाहता है कि उसको जब भी उसकी शादी होगी तो उसको ससुराल के द्वारा आर्थिक मदद मिलेगी कि नहीं, या उसका ससुराल का भाग धन प्राप्त होगा, धनी बनेगा या नहीं, इसके संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास करेंगे। अक्सर हम देखते हैं कि कईयों का जब शादी हो जाती है तो उनको ससुराल से मदद मिल जाती है, लाभ मिल जाता है और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो जाती है, तो उसके एक संक्षिप्त जानकारी हम देने का फल कथन में हम प्रयास करेंगे कि इनको कैसा देखा जाता है आपकी कुंडली में। तो जो भी जातक है वो अपनी कुंडली में देखें कि जो भी लग्न हो, पहले लग्न तो आपका एक्टिव हो गया, उसके बाद में दूसरा भाव है उसको धन भाव कहते हैं, तो दूसरा भाव को के बारे में हम जिक्र करेंगे। चौथा भाव हमारा सुख भाव का होता है, उसकी हम बात करेंगे, और सातवां भाव जो है हमारा विवाह का है उसकी बात करेंगे, और नवा भाव हमारा भाग्य का है, और ग्यारहवा भाव हमारा लाभ का है। तो और शुक्र जो ग्रह है वो कारक है अपना धन का, तो इन सबकी स्थितियों अगर कैसे कैसे बन सकती है जो वो अपने कुंडली में हम बताने का प्रयत्न करेंगे। वो आप कोई से भी लग्न के जातक हो और इस तरह के जो भी हम योग बताएंगे, ये सूत्र बताएंगे, उसमें जो चीजें हम इस कुंडली के माध्यम से दर्शाने का प्रयत्न करेंगे उसमें दूसरे ग्रहों का पे ध्यान मत दीजिए, वो कहाँ बैठे हैं क्या है, यानी हम जो बता रहे हैं उसको अपने कुंडली में देखिए, और वो जो बताएंगे उस पे दूसरे अशुभ योगों का ग्रहों का उसमें प्रभाव नहीं होना चाहिए। तो सर्वप्रथम जब भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण करते हैं तो हम हमेशा बोलते हैं कि लग्न और लग्न का स्वामी की स्थिति अच्छी केंद्र त्रिकोण में होना चाहिए, वो जरूर होना चाहिए, तो लग्न आपका बलवान हो गया। अब हम जब भी ससुराल से के बात करेंगे तो हम जो सप्तम भाव है उसकी चर्चा करेंगे। अब सप्तम भाव का जब भी संबंध अगर वो जो है दूसरे भाव से, चौथे भाव से, नवे भाव से और शुक्र से, इनसे बनता है, इनकी राशि परिवर्तन हो, इन भावों के सप्तम भाव में युति हो या कहीं पे भी युति हो, केंद्र में हो, शुभ भाव है, त्रिकोण है वो शुभ भाव है, और वहाँ पे शुक्र का उन पे बलवान हो आपकी कुंडली में, मतलब वो सौ राशि का, उच्च राशि का, मित्र राशि का हो या बारहवें भाव में हो, तो शुक्र को बलवान स्थिति कहते हैं। तो ऐसी स्थितियाँ ये दर्शाती है कि जातक का जो ससुराल है वो अच्छा मिलेगा, उसमें आर्थिक मदद मिलेगी, ससुराल से लाभ मिलेगा, इस तरह के योग बना देते हैं। तो हम अब जानने की प्रयत्न करेंगे, तो इसी कुंडली को हम देखते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं कि सप्तम भाव का जो स्वामी बनता है वो चंद्रमा बनता है, वो कहाँ बैठा हुआ है, यहाँ धन भाव में बैठा हुआ है, दूसरे भाव में जो धन भाव कहलाता है, और धन भाव का स्वामी बनता है शनि। देखिए 11 नंबर की जो राशि उसका मालिक शनि बनता है, वो सप्तम भाव में बैठा है, तो इसको हम कहते हैं कि राशि परिवर्तन हो गया है दूसरे भाव का और सातवें भाव का राशि परिवर्तन हो गया। तो ये ऐसा योग अगर बन रहा है तो हम इसमें कह सकते हैं कि जातक को ससुराल से आर्थिक मदद मिलेगी, उसको धन लाभ होगा, जब भी उसकी शादी होगी उसके बाद में ये फल उसको मिलने के योग बना देता है। इसी तरह से हम एक एक सूत्र को ले सकते हैं कि जैसे कि सप्तम भाव जो है वो आपका शादी का भाव कहलाता है, तो सप्तम भाव का जो स्वामी है अगर यहाँ चंद्रमा है, वो अगर आपके नवम भाव में चला जाता है, नवम भाव क्या है, भाग्य भाव है, तो भाग्य भाव में चला जाता है, और भाग्य भाव का स्वामी सप्तम भाव में चला जाता है, मतलब सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा, यहाँ चंद्रमा नवम भाव में बैठ जाता है, नवम भाव का स्वामी बुध यहाँ बन जाता है, इसको राशि परिवर्तन करेंगे। और शुक्र की अच्छी स्थिति ये भी दर्शाती है कि जातक का भाग्योदय शादी के बाद होगा, ऐसा हम कह सकते हैं।
तो इस तरह से हमने देखा सप्तम भाव नवम भाव की युति भी हो केंद्र में त्रिकोण में और शुक्र के साथ में भी उसका दृष्टि संबंध बन रहा हो या कुछ भी इस तरह से शुक्र बलवान हो तो हम बोल सकते हैं कि जातक का जो है भाग्योदय शादी के बाद में होगा। इसी तरह से हम देख सकते हैं कि सप्तम भाव जो है शादी का भाव है और सप्तम भाव का स्वामी मान लो चंद्रमा, ये चौथा भाव हमारा सुख भाव है, यहाँ बैठे हैं और सुख भाव का स्वामी यानी यहाँ मंगल है वो शादी के घर आने सप्तम भाव में बैठे। ये राशि परिवर्तन जो है चतुर्थ भाव और सप्तम भाव में होता है और शुक्र की अच्छी स्थिति होती थी, ये भी ये दर्शाती है कि इनका ससुराल पक्ष मजबूत रहेगा और ससुराल से इनको सब तरह का सुख प्राप्त होगा। तो ये इसी तरह से आप अपने द्वितीय भाव का जो भी संबंध है वो धन भाव कहलाता है, तो द्वितीय भाव का संबंध अगर वो सप्तम भाव से किसी भी हालत में हो, जैसे यहाँ पे हमने राशि परिवर्तन किया, अगर ये युति जो है शनि और चंद्रमा के केंद्र में हो या त्रिकोण में हो और शुक्र की अच्छी स्थिति हो या शुक्र उनके साथ में या शुक्र की दृष्टि हो तो भी इसको धन अच्छा धन और मदद ससुराल से मिलती रहेगी। तो एक के बाद एक जो भी हम ऐसे योग बता रहे हैं अगर ये आपको मिल रहा है तो आप मान सकते हैं कि आपको ससुराल जो है वो धनवान होगी या धनवान वहाँ से मदद मिलेगी और इस तरह का योग जो बना रहे बन रहे हैं तो वो आपके लिए अच्छे हैं। तो सप्तमेश से द्वितीय का हमने बताया ये सप्तम भाव यानी सप्तम भाव जो है आपका शादी का भाव उनका संबंध हमने बताया द्वितीय भाव से, फिर चतुर्थ भाव से या नवम भाव से। तो अलग अलग ऐसा इंडिविजुअल योग हो सकते हैं और शुक्र की उनपे कृपा बनी रहे प्रबल रहे, शुक्र उनके साथ में हो या दृष्टि संबंध हो तो ये भी एक योग बना देता है। तो जो भी सूत्र हमने बताया है अभी तक हमने जो बताया पहला बात बताया कि चतुर्थ भाव का स्वामी सप्तम में और सप्तम भाव का चतुर्थ भाव में, तो ये राशि परिवर्तन बताया। फिर हमने बताया कि द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में या सप्तम भाव का स्वामी द्वितीय भाव में हो उनकी राशि परिवर्तन हो युति और शुक्र बलवान है ये बताया हमने। फिर सप्तम भाव का स्वामी या द्वितीय भाव का स्वामी एक ही राशि में हो कहीं पे भी हो, जैसे यहाँ सप्तम भाव का स्वामी चंद्रमा है और धन भाव का द्वितीय भाव का स्वामी है जो शनि है, इनकी युति केंद्र में हो त्रिकोण में हो शुक्र बलवान हो या शुक्र हो उनके साथ में या शुक्र की दृष्टि हो तो भी एक अच्छा योग धनवान योग बनाता है, ससुराल से मदद मिलती है और ससुराल शादी के बाद में इनका ये योग फलीभूत होता है। तो ये हमने एक संक्षिप्त जानकारी देने का प्रयास किया है, जो भी जातक हैं वो अपनी कुंडलियों में देखें कि अगर जो हमने बताया उस तरह के योग बन रहे हैं तो आपको अगर शादी के योग चल रहे हो और आपके शादी का समय चल रहा हो तो आपको जरूर शादी कर लेना चाहिए जिससे कि आपको ये जो योगों का फायदा मिल सके। तो आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो हमारी चैनल एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी हमारे लाइक कीजिए शेयर कीजिए और अपॉइंटमेंट परामर्श भी आप प्राप्त कर सकते हैं। आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया वीडियो लाइक किया शेयर किया इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।